सिरमौर जिले में चार रोगों की जांच के लिए आज से एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भीड़ में रहने वाले लोगों के खून के सैंपल लिए जा रहे हैं। इन चार रोगों में यौन, एड्स, टीबी और हेपेटाइटिस शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि ये अभियान 14 जून तक जारी रहेगा और इसके लिए विभाग ने 5 टीमों का गठन किया है। इस विशेष अभियान के तहत 5 स्थानों पर जांच की जाएगी, जिनमें आदर्श कारागार नाहन, अकाल नशा मुक्ति केंद्र बड़ू साहिब, समाधान नशा मुक्ति केंद्र पांवटा साहिब, उमंग नशा मुक्ति केंद्र काला अंब और जीवन ज्योति नशा मुक्ति केंद्र सैनवाला शामिल हैं। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है चार बीमारियों के लिए। टीबी है, एचआईवी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं और हेपेटाइटिस है। इस अभियान के तहत जो क्लोज्ड सेटिंग्स में लोग रहते हैं उनकी हम इन चार बीमारियों के लिए टेस्टिंग करेंगे, उनकी हम जांच के लिए नमूने लेंगे और उनको टेस्ट करेंगे। और अगर उनकी जांच पिछले 6 महीने में हुई है तो उनकी जांच नहीं की जाएगी, लेकिन पिछले 6 महीने में उनकी ये जांच नहीं हुई है तो हम उनकी जांच करेंगे। इसके लिए एक तो क्लोज सेटिंग हमारी जेल है, नाहन जो जेल है, और 4 हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं जिनमें ये अभियान हमारा चलाया जाएगा। और वहाँ पे हम लैब टेक्नीशियन जाएगा, हमारे काउंसलर जाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे जो वहाँ के इनमेट्स हैं, और काउंसलिंग करने के बाद उनकी खून के लिए जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे।